अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद भारत में बढ़ने वाले ड्रग्स व्यापार के मद्देनजर भारतीय एजेंसियों ने कमर कस ली है। इसके तहत संदेश पर जहाजों और नाविकों का डाटा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, साथ ही ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान भी की जा रही है। जल्द ही देश के विभिन्न स्थानों पर बॉडी स्कैनर लगाए जा सकते हैं और बाहर से आने जाने वाले पार्सलों के लिए नए पैरामीटर बनाए जा सकते हैं। तालिबान की आय का मुख्य आधार मादक पदार्थों का व्यापार है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में अफीम की जितनी खपत होती है उसका 80% हिस्सा अफगानिस्तान में पैदा होता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होता हुआ ये मादक पदार्थ विश्व के विभिन्न देशों में जाता है और भारत उसका एक मुख्य रास्ता है। एजेंसियों के पास मौजूद सरकारी नक्शे में बताया गया कि मादक पदार्थ किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचता है और वहां से फिर दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। मादक पदार्थों की धरपकड़ में लगे सरकारी एजेंसी की एक आला अधिकारी ने बताया कि भारत में मादक पदार्थों की जितनी खपत होती है प्रतिवर्ष उसमें से मात्र सिर्फ 7-10% सामान पकड़ा जाता है, जबकि 90% सामान पकड़ा ही नहीं जा पाता क्योंकि इस काम में लगे सिंडिकेट हर बार नए रास्तों की तलाश करते हैं। साथ ही उसके नेटवर्क में अनेक सरकारी अधिकारी भी शामिल रहते हैं।